हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज की इस खास वीडियो में मैं आपको इंस्टाग्राम की एक ऐसी सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जो शायद ही आपको पता हो। तो फ्रेंड, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हम इंस्टाग्राम पे जो भी पोस्ट डालते हैं उसको हम जैसे ही यहाँ पे 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखने को मिलता है अचीव का, ठीक है फ्रेंड। तो हम अचीव वाले ऑप्शन पर जैसे ही टच करते हैं तो ये जो हमारी पोस्ट होती है वो हमारी गायब हो जाती है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे हमारी एक पोस्ट भी गायब हो जाती है। आज की इस खास वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे ही हम किसी भी पोस्ट को अचीव करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारी कोई भी पोस्ट है A to Z, तो हम उसे अचीव करते हैं तो वो हमारी सब गायब हो जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कई सारी रील्स को और साथ ही साथ हमारे कई सारी पोस्ट को इस टाइम अचीव कर रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। तो कभी कभी क्या होता है कि हम उसे वापस लाना चाहते हैं अपने होम पेज पर, ठीक है। तो आज की इस खास वीडियो में आपको बताऊँगा कि हम जो भी इंस्टाग्राम से किसी भी रील्स को या किसी भी पोस्ट को अचीव कर देते हैं तो उसे हम कहाँ वापस कैसे ला सकते हैं और साथ ही साथ वो सारी कहाँ चली जाती हैं, ठीक है फ्रेंड। तो आज की खास वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखना और एंड तक देखना, ठीक है फ्रेंड। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो राइट हैंड पर 3 डॉट दे रखे हैं हमें सिंपल से इस पर क्लिक करना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद हमें सेकंड ऑप्शन देखने को मिल जाता है अचीव का, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पर हमारी बहुत सारी पोस्ट एवं रील्स की वीडियो होती हैं जो हमें अचीव कर रखी है, तो हम सबसे पहले इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद अब ये हमारी सारी पोस्ट आ चुकी है, लेकिन अब बात करते हैं कि हम इसे वापस कैसे कर सकते हैं। तो जो भी पोस्ट हमें वापस ले जानी है तो सबसे पहले हम उस पर टच करेंगे। इस पर टच करने के बाद हमें फिर से 3 डॉट पर टच करना है, ठीक है फ्रेंड। 3 डॉट पर हम जैसे ही टच करते हैं तो जी क्या होगा कि यहाँ पे हमारी शो ऑन प्रोफाइल यानी कि प्रोफाइल पर शो होने लगेंगी, यानी कि ये हमारी वापस चली जाएगी, ठीक है। जैसे कि अब यहाँ से गायब हो चुकी है, बट हम चाहते हैं कि हमारी रील्स भी वापस आए, तो आपको सिंपल से पहले इस पर टच करना है, ठीक है। इस पर टच करेंगे तो यहाँ पे आपको स्टोरीज पोस्ट आपकी सारी आ जाएंगी, ठीक है। अगर आपने स्टोरी अचीव कर रखी होंगी तो आपकी स्टोरी भी आ जाएंगी, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ ही स्टोरी होंगी जो अचीव कर रखी होंगी, तो इसमें से अगर मैं जिसे ही वापस ले जाना चाहता हूँ या स्टोरी पर लगाना चाहता हूँ तो उसे ऑटोमेटिक लगा सकता हूँ। इस पर क्लिक करूँगा, फिर आपको शेयर पर ऑप्शन पर टच करने के बाद आप इसे वापस चाहे तो अपने स्टोरी पर शेयर कर सकते हैं, ओके फ्रेंड। मैं इसे वापस अभी डिस्कार्ड कर दूँगा। तो फ्रेंड, इस तरह हम किसी भी अचीव किए गए वीडियो को पोस्ट को वापस प्रोफाइल पर ला सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप ऐसी और वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपको ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।